इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रारंभिक सत्र से लेके अंतिम सत्र तक जितना ऊंचा स्तर, जितना क्वालिटेटिव कंटेंट यहाँ तक के यहाँ के छात्रों द्वारा, शोध छात्रों द्वारा या वैसे भी छात्रों द्वारा, अभी एमए कर रहे छात्रों द्वारा जो मेरे साथ इंटरेक्शन में सामने आया, उससे मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। एक निराशा के दौर में एक उम्मीद की किरण, कहीं कहीं आशा की किरण दिख जाए तो ऐसा लगता है कि अभी भविष्य रोशन हो सकता है। कई बार ऐसा लगता है समाज में कि भविष्य बहुत अंधकारमय है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, युवाओं को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, समाज के अन्य वर्ग जिन्होंने कभी अच्छे समय में अच्छा वक्त भी गुजारा है, उनको भी लगता है कि जिंदगी के आखिरी दौर में हम कैसे दिन देख रहे हैं। खैर, ये बहुत, एक तो मुझे इस बात की खुशी है कि एक तो JNU में जब मैं आया 2005 में, उससे पहले पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में 20 साल करीब रहा, उसमें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में भी रहा, लेकिन 2005 के बाद मेरे ख्याल में अगर किसी विश्वविद्यालय के साथ मेरा बहुत निरंतर संपर्क रहा है किसी भी रूप में, कभी एक्सपर्ट के रूप में, कभी पार्टिसिपेंट के रूप में, सेमिनार के रूप में, कुछ यहाँ मित्र भी पुराने वी कृष्णा जैसे रहे हैं, और बहुत सारे लोग हमारे चूँकि JNU के ही छात्र हैं, वीरेंद्र पाठक की भी जो आजकल अध्यक्ष हैं, तो वे खास किस्म का एक स्नेह का रिश्ता या सॉलिडारिटी का रिश्ता बना रहा है। बल्कि मुझे ये थोड़ा सा कहना चाहिए कि एक मॉरल दबाव भी था मेरे ऊपर कि अप्रैल में ये कार्यक्रम सोचा गया था पाठक के द्वारा, लेकिन चूंकि मुझे कनाडा जाना था 5-6 हफ्तों के लिए और उसके बाद यहाँ फिर सेशन खत्म हो जाना था, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपके रहते ही ये करेंगे। तो हमने कहा फिर अगस्त में, इन्होंने कहा तो अगस्त में जब ये कार्यक्रम इन्होंने रखा तो एक तरीके से मेरे ऊपर नैतिक दबाव इस बात का भी था कि इसमें जो मेरी पार्टिसिपेशन हो वो इस तरीके की हो कि जिससे वाकई जो पार्टिसिपेंट, जो प्रोजेक्ट, असल में ये एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और प्रोजेक्ट बहुत यूनिक भी है कि इसके ऊपर बहुत कम काम विश्वविद्यालय में हुआ है। और एक तो मैं यहाँ चूँकि हिंदी विभाग में पुस्तकालय है तो मैं कम से कम अपनी तरफ से पाठक के विभागाध्यक्ष हैं और तो कुछ नहीं, लेकिन सांकेतिक रूप में ही सही, एक तो पुस्तकें हैं मेरी, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस विभाग के पुस्तकालय के लिए ये पुस्तकें पाठक जी से मैं आग्रह करता हूँ, ये दो पुस्तकें भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज और आदि गुरु ग्रंथ साहब में गुरु रविदास वाणी, तो ये दो पुस्तकें मैं कह रहा हूँ कि ये मैं जानता हूँ कि यहाँ के छात्र इसका बहुत उपयोग करेंगे और यहाँ क्योंकि ये थोड़ी बहुत काम की ये पुस्तकें रहे। अब है ये समापन सत्र, लेकिन जिस विषय पे चर्चा हुई उसमें भविष्य केंद्र में रहा, भविष्य केंद्र में रहा, और रविकांत जी ने जिन सज्जन का यहाँ कोटेशन किया, सुधीर विद्यार्थी